देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी अंतिम चरण की है। सातवें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों में 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। यूपी विधानसभा के सातवें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। यूपी में सत्ता के लिहाज से यह सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के भी कुछ अहम चेहरे हैं जो वाराणसी, मऊ और कई जगहों से, कई सीटों से एक अहम चेहरे और काफी एक कहे तो विवादित चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं। मऊ की बात किया जाए, वाराणसी की बात किया जाए, जौनपुर की बात किया जाए, गाजीपुर की बात किया जाए, तो इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं विवादित चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं और कई पिछड़े जो इलाके हैं वो भी इस चरण में हैं। तो देखना यह होगा कि इस चरण का चुनाव कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 7 चरणों में कुल 2022 विधानसभा चुनाव होना था, 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, 6 चरणों का मतदान हो चुका है और जितने भी प्रत्याशी 6 चरणों में थे उनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होना है। वहीं 7 मार्च का जो चुनाव है वो आखिरी फेज का है, सातवें चरण का चुनाव है। सातवें चरण का चुनाव कई मुद्दों में भी अहम देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें 2022 विधानसभा में बयानबाजियों की, तो बेहद ही अलग तरह की बयानबाजी और नारे भी इस बार सामने आए हैं। वहीं हाल ही में बात मऊ विधानसभा की करें तो मऊ विधानसभा से वहां पर चुनाव लड़ रहे जो मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी, उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद से राजनीति में और गर्मा गर्मी आ गई है, राजनीति और गर्मा गई है। लगातार जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि मैं अखिलेश यादव से बात करके आया हूँ, 6 महीने बाद किसी का पोस्टिंग या ट्रांसफर नहीं होगा, इस बयान के बाद लगातार जिस तरह से राजनीति गरमाई है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनपे वहीं हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे मऊ और जौनपुर से, अहमद क्या कुछ अभी वहां पर आज आखिरी दिन है, आज प्रचार प्रसार शाम में थम जाएगा, क्या कुछ हलचले हैं चुनाव को लेकर के? जी आपको बता दें कि जौनपुर में आज शाम चुनाव प्रचार 6 बजे थम जाएगा। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी, अखिलेश मल्ली में विधानसभा करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मल्ली विधानसभा में जनसभा करेंगे और केशव प्रसाद मौर्य भी सदर विधानसभा में जनसभा करेंगे। भाई अगर बात मऊ की किया जाए कमलेश, तो मऊ में राजनीति गरमाई हुई है, ऐसे में आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, क्या कुछ अभी वहां की स्थिति है, क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है मऊ से? अभी आपको हम बता रहे हैं कि जो मऊ से हम ये आई हुई है कि आज बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य आज मोहम्मदाबाद गोहना में दोनों लोग जनसभा करेंगे, जो अपने प्रत्याशी को वोट मांगने का जनसभा किए हैं। जी कमलेश, मऊ विधानसभा हॉट सीट है, मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी का एक बयान भी आया, उसके बाद ये जानना है हमें कि कौन कौन से और दिग्गज मऊ से विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं। अगर बात की जाए सदर सीट पे ही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ही को ही सदर सीट को ही बाहुबली ही माना जाता है। जी अगर घोसी विधानसभा की बात की जाए मऊ के, तो वहां पर क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है कमलेश? वहाँ का नेम वहाँ त्रिकोणी समीकरण घोसी का त्रिकोणी सर्किमेंट बताया जा रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं, वहाँ त्रिकोणी का ही समीकरण है। वहाँ बात से बख्तुल्ला अंसारी की भी की जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ये परिवार ऐसा है जो जैसे ही विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था ये लोग काफी इन पे बयानबाजी हुई थी, इनके मामले कई सामने। सिबकतुल्ला अंसारी की भी बात करेंगे, तो सिबकतुल्ला अंसारी का क्या कुछ देखने को मिल रहा है कमलेश? देखने को ये मिल रहा है कि उन्होंने भी अपनी कमर टाइट कर ली है। और आज किनके किनके दौरे होने हैं मऊ में कमलेश? आज केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रकाश राजभर
और स्वामी केशव प्रसाद मौर्य लोग को अहमदाबाद में दौड़ा है। जी अहमद, जौनपुर में आज जो दौरे होने हैं और पहले भी दौरे हुए हैं, कई दिग्गज वहां चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, तो इसका क्या कुछ असर वहां की जनता पर पड़ा है और किसके प्रचार प्रसार का ज्यादा दमखम दिख रहा है जौनपुर की जनता में? मलनी विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ पे मुलायम करहल के बाद मलनी विधानसभा में प्रचार करने आते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात है मलनी विधानसभा, उसी के तहत आज अखिलेश यादव आएंगे। अब देखना है आने वाली 7 तारीख को जनता किस पे भरोसा करती है और किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल आज प्रियंका जी अहमद बताएं जी, फिलहाल प्रियंका गांधी आज जौनपुर सदर विधानसभा में डोर टू डोर रोड शो करेंगी और अपने कार्यकर्ताओं में जान चुकेंगी। अब देखना है कि लोग किस पे विश्वास करते हैं ज्यादा, अखिलेश पे या प्रियंका पर। अहमद, जौनपुर कई मामलों में अहम भी माना जाता है और इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि महिलाओं का क्या है। जौनपुर एक थोड़ा सा पिछड़े में भी कभी कभार देखा जाता है और है भी जौनपुर, तो विकास को लेकर जौनपुर के क्या कुछ मुद्दे हैं, जौनपुर की जनता क्या कुछ विकास चाहती है? जौनपुर में सबसे बड़ी समस्या जाम की है और जनता चाहती है कि जो प्रतिनिधि हो या जो सरकार हो हमको जाम से मुक्ति दिलाए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जाम, ये 4 प्रमुख मुद्दे जौनपुर के हैं, उन्हीं को लेकर जनता वोट करेगी। अच्छा, जौनपुर में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, इसके पहले ये भी जानना है होगा कि अभी कौन कौन से अभी वहां पर नेता हैं जो अभी विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं और उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किए हैं जौनपुर में? दावे तो बड़े ठीक है लेकिन आने वाले 7 तारीख को ही पता चल पाएगा कि जनता किस पे भरोसा करती है। दोबारा मौका देती है बीजेपी से जफराबाद से हरिंदर सिंह में विधायक है और रमेश मिश्रा बदलापुर से वर्तमान समय विधायक है और यहाँ पे मंत्री गिरीश यादव सदर विधानसभा से विधायक है। जी, अगर बात किया जाए पार्टियों की तो सभी पार्टियों ने अपना बिल्कुल जोर लगाया है लेकिन जनता जो है, जनता सब जानती है उसको विकास के मुद्दे, अभी भी जौनपुर की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए, एक अहम मुद्दा है ये। ऐसे में जातिगत समीकरण क्या देखा जा रहा है अहमद जौनपुर का, क्योंकि पूर्वांचल का चुनाव हो और जातियों का एक अपना समीकरण ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता, तो जौनपुर की जनता में जाति को लेकर के क्या कुछ समीकरण दिख रहा है? सीधी टक्कर यहाँ जौनपुर जिले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ही बीच में है, जातिगत समीकरण इस बार लगता है चल नहीं पाएगा जौनपुर में। जी, हम मऊ में वापस आएंगे और हम जानना चाहेंगे कि मऊ में जातिगत समीकरण क्या है, कमलेश किस जाति का वोट कितना है और किस तरफ जाता दिख रहा है? अगर यहाँ देखा जाए मऊ विधानसभा का तो यहाँ सबसे ज्यादा राजभरों का वोट समीकरण सबसे ज्यादा राजभरों का वोट माना गया है और वहीं देखा जाए तो यहाँ के 2 प्रत्याशी है जैसे की भीम राजभर भी है और विजय राजभर भी है, तो यहाँ जातिवाद का समीकरण तो ज्यादा ही है। जी कमले, सुभाषपा और सपा का गठबंधन है ओपी राजभर और अखिलेश यादव का, तो ये गठबंधन कितना मजबूत नजर आ रहा है मऊ से? सुभाषपा का जो गठबंधन, सपा और सुभाषपा का जो गठबंधन है, आप बता दें कि वहाँ कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जो सभी जातिवाद के कैंडिडेट भी तो यहाँ खड़े किए गए हैं जो ताकि यहाँ के राजभरों का वोट सबसे ज्यादा है, इसीलिए राजभरों का वोट कई भागों में बढ़ जाएगा। जी वही अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मऊ से, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ही अपना ताल ठोकते रही है कि उन्होंने अपराध मुक्त किया है, अपराधियों से मुक्ति दिलाई है मऊ को, तो ये बात कितनी सच दिख रही है मऊ में? तो उसी के एक आपको बता दें कि उसी समय दौरान में एक जनसभा में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने उन्होंने कहा इसी को लेकर कहा था कि जो हमारे साथ जो हुआ है हम ना तो किसी का 6 महीने तक ना तो किसी की पोस्टिंग होगी ना तो किसी के ट्रांसफर होगा, इसी को लेकर उन्होंने कहा था एक एक लोग से हम हिसाब लेंगे, इसी को लेकर उन्होंने कहा था। तो इसका कितना कुछ असर देखने को मिल रहा है मऊ में? असर तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि असर एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ जो भाजपा से मुख्तार अंसारी के अब्बास अंसारी हैं वो एकदम साफ दिख रहा है कि उनका चुनाव किसी से लड़ाई नहीं है। जी अहमद, क्या कुछ जौनपुर में महिलाओं के लिए तैयारी की गई और प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला कैंडिडेट्स कितने जौनपुर में उतारे हैं, क्योंकि उनका एक अपना अहम मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर वो इस बार विधानसभा चुनाव में है। अहमद
प्रियंका गांधी वाड्रा का अपना एक अहम मुद्दा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% टिकट महिलाओं को उन्हें देना है। तो महिलाओं ने कितनी महिलाओं को प्रियंका गांधी वाड्रा ने जौनपुर में उतारा है? जौनपुर से मैडम दो महिलाओं को उतारा है, बदलापुर से आरती गौरव सिंह और मती शाह से, एक सुरक्षित सीट से। जी अहमद, ये महिलाएं कितनी मजबूत नजर आ रही है जौनपुर से? इसका कोई प्रभाव लगता नहीं है और कांग्रेस लग नहीं रहा कि जौनपुर की 9 विधानसभा में एक भी सीट जीत पाएगी। बिल्कुल, आप दोनों का जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल बने रहिए क्योंकि आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, सातवें चरण आखिरी चरण के लिए, और आखिरी चरण का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बयानबाजियां कह लीजिए, मजबूत और बड़े चेहरे कह लीजिए, इन सबको मिला के सातवां चरण बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। और आज सातवें चरण का प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसको लेकर सभी दिग्गज जो चुनावी मैदान में है और अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, किस तरह से वो जनता को अपने पाले में करें। लगातार सभी बड़े चेहरे रैलियां कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। सातवें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, जहां पर 616 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। यूपी विधानसभा के सातवें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थमेगा। यूपी में सत्ता के लिहाज से यह सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं साथ ही साथ गठबंधन जो है, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, वो भी काफी एक्टिव है और सभी ने इस विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन कितना कमाल दिखा पाएगा। बात अगर अनुप्रिया पटेल की जाए तो अनुप्रिया पटेल ने भी कई रैलियां की, ऐसी कई उनकी बातें सामने आई, उनकी बहन भी कई रैलियां की, दोनों में परिवार, एक परिवार विवाद भी देखने को मिला। कृष्णा पटेल ने जिस तरह से इल्जाम लगाया कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनके जान को खतरा है, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, हालांकि उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो इस चुनाव में कई ऐसे अहम मुद्दे और परिवारी मुद्दे भी उठकर सामने आए हैं। गर्मी निकाल देंगे, शिमला बना देंगे जैसे बयान भी सामने आए हैं। तो इस समय देखना यह होगा कि जनता किसको पसंद करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद ही अहम होता है और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव का साथ तो चरण किसी एक अहम मुद्दे पर आधारित नहीं रहा। सातों चरणों में अपने अलग अलग अहम मुद्दे रहे हैं। जातिगत समीकरण अपना एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर बात विकास की और रोजगार की, शिक्षा की, पलायन की, बाढ़ की, खुला जानवरों की, मंदिर निर्माण की, ऐसे कई अहम मुद्दे सामने आए। पश्चिम से जब आरएलडी गठबंधन के भी कई मुद्दे सामने आए, जहां से लगातार जयंत चौधरी को समर्थन मिल रहा था, हालांकि अब चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। सातवें चरण का चुनाव 7 तारीख को संपन्न हो जाएगा। देखना यह होगा कि जनता किसको चुन के उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी लखनऊ से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। इसलिए भी सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा देती हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कुछ इस बार निकल कर आता है, किसको पूर्ण बहुमत मिलती है, जनता किसको चुनती है या फिर गठबंधन की सरकार बनती है। तो 10 तारीख को ही देखना दिलचस्प होगा। लगातार जिस तरह से कई पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश 10 मार्च से ही होली मनाना शुरू कर देगी, तो देखना यह होगा कि किसकी यह होली ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि 18 मार्च को होली है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आना है, मतगणना होना है। तो ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि जनता किसकी होली बेहद अच्छी करती है और किसकी होली खराब करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर वोट देना चाहती है। कोरोना के बाद से जिस तरह लगातार युवाओं में रोजगार की कमी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको लेकर युवाओं में भी खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों का अपना एक अलग मांग था, हर जो वर्ग के युवा हैं उनका अपना एक अलग अलग मांग था। ऐसे में देखना यह होगा कि ये सारी मांगे, पलायन का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, गन्ना किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा और ऐसे तमाम मुद्दे, बाढ़ के मुद्दे हो गए, चाहे फिर अगर बात किया जाए तो पेंशन के मुद्दे, अनाज के मुद्दे, ये सारे मुद्दे किस पे कितना इफेक्ट डालेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का, ये इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा। लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए सातवें चरण की, तो सातवें चरण में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, बयानबाजियां भी काफ़ी तेज हो गई हैं। हालांकि आज
चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। आज सभी दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज हर पार्टी के चुनावी मैदान में हैं। सभी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किस तरह से वो जनता को अपने पाले में करें, किस तरह से वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो। अब देखना यह होगा कि कितना भरोसा जनता किस पे दिखा पाती है, क्योंकि जनता को सब पता है, उसे पता है उसे किसे चुनकर कहां भेजना है। वहीं अगर बात किया जाए अयोध्या की, तो अयोध्या भी एक हॉट सीट बना हुआ था। इस चुनाव में कई सीटें हॉट सीट बनी हुई थी, कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे, सब अपने अपने लुभावने वादे और दावे और मैनिफेस्टो के साथ चुनावी मैदान में थे। जहां चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुआ था तो एक वर्चुअल रैली शुरू हुई थी, वर्चुअल के बाद यह डोर टू डोर और जनसभाओं में तब्दील हो गई। हालांकि उसके बाद भी वर्चुअल रैलियां और वर्चुअल संवाद भी जारी रहे, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही, जिसको लेकर एक दूसरी पार्टियों पर लोगों ने लगातार निशाने भी साधे, एक दूसरे पर सवाल या निशान भी खड़े किए। इन सब चीज़ों के बीच, तमाम गर्मा गर्मी के बीच, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सातवें चरण में पहुँच गया। छः चरणों का चुनाव संपन्न हो गया। अब देखना यह होगा कि सातवें चरण में क्या कुछ निकल के सामने आता है। वहीं अगर बात महिलाओं की जाए, जिनकी 50% जन वोट प्रतिशत है महिलाओं की, तो महिलाएं भी लगातार एक शांत वोटर के रूप में सामने आ रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि महिलाओं का मत किस पे गया है, क्योंकि 2019 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे वादे किए जा रहे थे प्रचंड बहुमत की जीत के बाद, जिसमें ये कहा गया था कि लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि आज लास्ट डे है चुनाव प्रचार प्रसार का, तो ऐसे में देखना यह होगा कि आज कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में और क्या कुछ लुभावने दावे और वादे करते हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अजीत और रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ तैयारियां हैं, आज आखिरी दिन है, कौन कौन से दिग्गज आज वहां चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं? सदराजा विधानसभा में पवन सिंह का आगमन होने वाला है और लगभग 3:30 बजे इनका आगमन होगा। रोड शो रैली भी करेंगे और हम गृह मंत्री का भी आगमन होने वाला था, लेकिन आज के डेट में कैंसिल कर दिया गया गृह मंत्री का। और आज पवन सिंह का आगमन होने वाला है सदराजा विधानसभा में। सब अपना पार्टी दल लग गए हैं जी। वहां की जनता का क्या कुछ राय है, जनता को क्या कुछ विकास चाहिए और जनता के मुद्दे क्या होंगे? जनता विकास के यही मुद्दे हैं मैम, कि आपको बता दें कि दोनों पक्षों में गर्मी गर्मा चल रही है। या बीजेपी को मान लें, या तो हम सपा को मान लें, या तो बीएसपी को मान लें, या तो कांग्रेस को मान लें, दोनों में गर्मी गर्मा चल रही, कोई कमजोर नहीं दिखने पा रहा। सब अपना पार्टी दल प्रचार कर रहे हैं और छोटे या बड़े नेता भी अपने यहाँ आके चंदौली जिले में छोटे बड़े नेता आके अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना पार्टी बैंक वोट बैंक जुटा रहे हैं, सब अपने अपना प्रचार कर रहा है। देखिए फिर 7 तारीख को क्या होता है। अगर बात चंदौली के कुछ अहम मुद्दों की जाए, तो चंदौली में बहुत सारे अपने अहम मुद्दे हैं और चंदौली में विकास कार्य भी मौजूदा सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि विकास कार्य भी किए गए। इन विकास कार्य जो अभी तक हुए 5 साल के कार्यकाल में, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं अजीत? माने तो बीजेपी सरकार ने यहाँ पर तो विकास कार्य किया है, हर चीज के हर पहलू पर कार्य किया है, लेकिन इस बार लगता है जनता का मूड बदलाव में कुछ नजर आ रहा है। जनता इस बार सोच रही है कि बदले कुछ, बदले में ये है कि मतलब कि कुछ कल हमारे अखिलेश यादव का चंदौली में आगमन हुआ था पॉलिटेक्निक कॉलेज में, कल उन्होंने भी अपना वोट बैंक जुटाया और उन्होंने भी बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा, वहीं किसानों को भी हर पहलू पर कार्य किया जाएगा, हर चीज का लाभ बताएं, तो उससे बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। ऐसी बात नहीं, बहुत ही फर्क, वो अपना वोट बैंक जाति समीकरण के हिसाब से जुटा लिए हैं जी। आपने जाति समीकरण की बात करी अजीत, तो जातीय समीकरण क्या कुछ देखने को चंदौली में मिल रहा है, कौन सी जाति का वोट कौन से किस पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और कौन सी पार्टी जातिगत जो वोट है उस पे राजनीति करने में ज्यादा कामयाब नजर आ रही है? मैम हम ये बता दें कि जो यादव वोटर बैंक है वो तो सपा को बिल्कुल जा रहे हैं, मतलब कि प्लस पॉइंट उनका बनता जा रहा है। अब कुछ मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कुछ ओबीसी को भी जा रहे हैं, कुछ इनको भी जा रहे हैं, तो मतलब कि माने तो हर जगह छीट के वोट पड़ रहे हैं, चंदौली जिले में छीट के वोट पड़ रहे हैं, जिसके कारण से हर प्लस पॉइंट
किसी का भी नहीं रहेगा, और जो भी रुझान देखने को मिलेगा वो 7 तारीख को पता चलेगा कि क्या रुझान रहेगा, कितने परसेंटेज वोट पड़ेंगी चंदौली में। अजीत, चंदौली की महिलाओं का क्या मत है? महिलाएं एक अहम मुद्दा रखती है, महिलाएं चुपचाप से मतदान केंद्र जाती है, वोट डालती वापस चली जाती है, जब सरकार बन जाती है उसके बाद पता चलता है कि किसका कितना रोल रहा है, तो ऐसे में चंदौली की महिलाओं का क्या कुछ मत है, चंदौली की महिलाओं को क्या कुछ विकास चाहिए, अगर किसकी सरकार बनती है उससे क्या कुछ और योजनाएं उनको चाहिए, और क्या कुछ मुद्दे हैं महिलाओं के चंदौली में? मैं हम चंदौली की बात करें तो चंदौली की मतलब जो महिलाएं हैं वो तो सीधे बोलती हैं कि हम तो योगी के दूंगे वोट, क्योंकि हमको राशन दिए, हर पहलू पर कार्य किए और महिला सुरक्षा उनको दिया गया, हर पहलू पर कार्य किए हैं। लेकिन माने तो कुछ जो मुस्लिम बैंक है, जो वोटर बैंक मुसलमानों की जो लेडीज हैं वो उनको सपा कोट वहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर सियाती गर्मियां यहाँ पर पाई जा रही है, एकदम क्षेत्र में चुनावी दंगल के मैदान में सब कूद गए हैं, छोटे या बड़े नेता, आगे चल के देखिए क्या होता है। अजीत, कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में जिनका पलड़ा भारी दिख रहा है? अभी मैं हम इस समय तो कुछ नहीं बता सकते, कल के डेट में पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। जी, वही अगर बात की जाए शिक्षा की, चंदौली में शिक्षा की क्या कुछ व्यवस्था है, तो शिक्षा का क्या कुछ हालात है अजीत? अभी मैम शिक्षा की हालात तो पहले से लगभग बहुत बेहतर बताया जा रहा है, अभी तो फिलहाल में 1 महीने पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ था चंदौली में बीजेपी में के तरफ से, और ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ, तो विकास के मुद्दे पर हम बात करें तो बीजेपी थोड़ा ऊपर मानी जा रही है इस समय, और अब सपा की सरकार क्या होती है, अब बन पाती है कि क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वही अगर बात किसानों की करें तो किसानों का मत क्या है, और जो छुट्टा जानवरों का एक मुद्दा चंदौली से भी सामने आया था, तो जो जनता है छुट्टा जानवरों का उन पे क्या कुछ असर पड़ेगा, किसानों को कितना कुछ नुकसान झेलना पड़ा है? किसानों पर कुछ तो कुछ असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, किसान जो है सीधे अपना उनका सही से खरीद नहीं हो पाया, कितने किसान अभी ऐसे भी है कि उनका भी टाइम से खरीद नहीं हो पाया है, जिसके कारण से कुछ न कुछ तो वोट बैंक सपा की ओर जाएगा, ऐसा हमको लग रहा है कि मतलब कुछ न कुछ वोट बैंक सपा की ओर पड़ेगा। जी अजीत, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, प्रचार प्रसार का चंदौली में भी, तो ऐसे में देखना ये होगा कि कौन जनता को अपने पाले में कर पाता है, कौन कितना इसमें सक्षम है, कौन कितना संपन्न है जनता को अपने पाले में करने के लिए। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियां कर रही हैं, लगातार अपने दमखम दिखा रही हैं। बात अगर गठबंधन की जाए तो गठबंधन भी लगातार मजबूत नजर आ रहा है, अपनी अपनी सीटों से सभी ने अपने अपने हिसाब से मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अब ऐसे में देखना यह होगा कि कौन कितना सफल हो पाता है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है, कभी कुछ आप कह नहीं सकते, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन पता चलता है कि किसको सत्ता ने चुना है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मऊ विधानसभा जो हॉट सीट बना हुआ है, मुख्तार अंसारी, सिबकतुल्ला अंसारी, अब्बास अंसारी, इनके क्या कुछ पैठ देखने को मिल पाएंगे, और लगातार जिस तरह से दावे और वादे सभी पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं, किसके दावे और वादे कितने सच होंगे, जनता किसको कितना पसंद करके विधानसभा भेजेगी, ये बेहद ही एक अहम मुद्दा सामने नजर आ रहा है। सातवां चरण 7 तारीख को होना है, सातवें चरण के लिए चुनावी प्रचार प्रसार आज थम जाएगा, जिसके कड़ी में तमाम दिग्गज आज चुनावी मैदान में हैं, जनता को अपने अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे, और जिसपे लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए, ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।